नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैवेल्स इंडिया स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और स्टॉक में क्या अभी बाइंग लेवल आ चुका है, इस लेवल पे बाय करना चाहिए या तो फिर और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम हैवेल्स के बारे में बात करेंगे, एक 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, नेक्स्ट 50 का इंडेक्स में है। अगर इस स्टॉक का पी अभी देखेंगे, 64 पर पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है और आरओसी 29 है। स्टॉक का पी 64 है, ऐसा सोच के कभी, ये स्टॉक हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेडिंग होता है, क्योंकि ये जब ये कुछ स्टॉक होते हैं जो कि प्रीमियम पे ही ट्रेडिंग होता है, बहुत क्वालिटी स्टॉक है। अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लो डेट कंपनी है, कंपनी के ऊपर 0.08% का डेट है। अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 1504 है और यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1186 पे। तो अगर इसी हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, 59% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। अगर इसी हिसाब से बात करेंगे, ये जो कंपनी है, आप सबको पता है ये जो कंपनी है किस फील्ड में काम करता है। कंपनी का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आता है, प्रोडक्ट आता है, आप अगर जाके देखेंगे तो होम अप्लायंस सारे इनके प्रोडक्ट होता है, केबल से लेके और यहाँ पे मॉड्यूलर स्विच है, फैन है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जो कि एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशनर है भी है, एसी भी है, उसके साथ में है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, बहुत सारा प्रोडक्ट है इनका। तो इस हिसाब से कंपनी के बारे में अगर बात करेंगे, ये क्वार्टरली रिजल्ट जो दिसंबर में आया है, तो यहाँ पे 306 करोड़ का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। लास्ट यहाँ पे दिसंबर में 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी इस क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन जरूर नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सेल्स के बारे में बात करेंगे, 3175 करोड़ का सेल्स था दिसंबर 2020 में, अभी अगर दिसंबर 2021 को अगर बात करेंगे, यहाँ पे 3664 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। सेल्स में तो जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर इस हिसाब से लास्ट 4 क्वार्टर में हम देखते हैं, यहाँ पे 1148 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेल्स भी 12,851 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट जाके देखते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ पे बोरोइंग 454 करोड़ का बोरोइंग है, जो कि यहाँ पे 521 करोड़ का बोरोइंग था, अभी 454 करोड़ का बोरोइंग है। अगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, रिजर्व भी बहुत बढ़िया से इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, यहाँ पे 5463 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे प्रमोटर के पास में 59.47% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। यहाँ पे मैक्सिमम होल्डिंग, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एफआई के पास में भी ज़बरदस्त होल्डिंग है, जो कि 26.51% का एफआई के पास में होल्डिंग है। यहाँ पे 22% से एफआई यहाँ पे खरीदारी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो यहाँ पे 26.5% एफआई के पास में होल्डिंग हो चुका है। अगर इसी हिसाब से पब्लिक के पास में देखेंगे, ओनली 7.6% का पब्लिक के पास में होल्डिंग है, जबकि ऐसा सारे स्टॉक में पब्लिक के पास में है रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मल्टी वैगर स्टॉक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 साल में 27% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, 5 साल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 23% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, अगर 3 साल का एवरेज अभी निकालते हैं, अभी भी 19% सीएजीआर प्रॉफिट में है। तो मतलब अभी ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको लॉस हो सकता है, जिसने 1 साल से ज़्यादा का अवधि में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको कभी लॉस भी नहीं हुआ, 1 साल में भी बल्कि 7% का प्रॉफिट है उसको हो रहा है। ठीक है, अगर इसी हिसाब से अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.35% का तेजी देखने को मिला था। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्वांटिटी डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 18,13,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे 9,48,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 52% का डिलीवरी है, बहुत बेहतरीन डिलीवरी है स्टॉक में देखने को मिला है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये कौन सा लेवल पर हमें बाय करना चाहिए, अगर बाय करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, यहाँ पे टारगेट क्या है, ब्रोकिंग हाउस का टारगेट इस स्टॉक में क्या है फ्रेंड्स। अगर इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट होती है तो स्टॉक बिल्कुल ये लेवल तक आ सकता है, जो कि इसका लेवल है यहाँ तक का। ठीक है, जो कि 1000 का लेवल जरूर, अगर भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलता है, स्टॉक यहाँ तक जरूर आ सकता है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंटेज का गिरावट हो सकता है, अगर गिरता है मार्केट में यहाँ पे और 12-13% का गिरावट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता फ्रेंड्स, बी ऑनेस्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया सा आगे आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में भी बढ़िया सा बेनिफिट मिलेगा,
स्विंग ट्रेड में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। अगर इसी हिसाब से देखेंगे स्टॉक में कितना परसेंटेज का करेक्शन आ चुका है, अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे स्टॉक में अभी यहाँ पे एक 22% का करेक्शन हो चुका है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी स्टॉक है। तो यहाँ पे 22% का गिरावट हो चुका है। अभी अगर आपको इसमें पोजिशन बनाना है तो इस लेवल पर भी आप पोजिशन बना सकते हैं, जो कि ये लेवल है, ये लेवल के ऊपर आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, जो कि स्टॉक कई बार यहाँ पे ये एक लेवल पे बहुत बढ़िया से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। फास्ट लेवल है ये 1150, ठीक है। ये 1150 का लेवल पे आपको पहला यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं इस लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक में आप बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे ना, आप खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि जो भी स्टॉक में आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पहला लेवल लग रहा है जो कि 1150 का लेवल पे अगर आप लेके चलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्ट फास्ट यहाँ पे एक लोट बाई करके चल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे इस लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ उसका पीछे का रीजन भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लेवल है ना, ये लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट टूट के ये लेवल पे आ चुका है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका टारगेट क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, पहला जो टारगेट है मुझे ऐसा लग रहा है ये लेवल पे आपको पहला प्रॉफिट ले लेना चाहिए। अगर आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना है यहाँ पे 1465 पर आपको पहला प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर यहाँ से लेके अगर यहाँ पे 1465 तक का हम देखते हैं, यहाँ पे 27% का गेन आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट आपको ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा, आपको 6 मंथ्स के अंदर ये टारगेट आपका अचीव हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वालिटी स्टॉक भी है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा निकल करके आता है, नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जो रेड कलर का लाइन है ना, ये 100 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। कैसे हम एवरेज, कैसे हम मूविंग एवरेज भी रीड करते हैं, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करते हैं, वो अगर फ्रेंड्स आप सीखना चाहते हैं यहाँ पे चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न और स्टॉक सिलेक्शन वाला ये जो प्लेलिस्ट है ये आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पे जो 15 वीडियो है ना, अगर आप देख लेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। कैसे एक अच्छा सा स्टॉक को सिलेक्शन करना है और कौन सा लेवल पे बाय करना है, कौन सा लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये सारा चीज़ अगर आप स्टॉक मार्केट में सीख जाएंगे ना तो आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा वहाँ पे प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी जरूर दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। अभी टॉपिक में आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगर इसी हिसाब से हम देखते हैं पहला लेवल यहाँ पे निकल करके आता है जो कि 27% का गेन आपको दे सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये लेवल पे बिल्कुल आपको इससे नीचे नहीं गिरेगा। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से अगर फिर भी गिरावट होता है मार्केट का सिनेरियो के हिसाब से, तो अगर वहाँ पे ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो अगर बिगड़ता है तो वहाँ से अगर गिरावट होता है स्टॉक बिल्कुल यहाँ तक आ सकता है 1000 का लेवल, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि 1000 का लेवल आएगा बोल के हमने बाय बिल्कुल भी नहीं करना है। एक लोट तो एटलीस्ट हम यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो का यहाँ पे अच्छा सा एक 2-3% इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही स्टॉक में ऐसा नहीं कि पूरा एक ही स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखिए। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बढ़िया सा रिवर्स सडन शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आप बोलेंगे कैसे बन रहा है बताओ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रिवर्स हेड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे राइट शोल्डर बनेगा, उसके बाद में स्टॉक यहाँ से फिर ऑफसाइड मूवमेंट होगा। लेकिन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये पहला लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि पहला लेवल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में स्टॉक के प्राइस बिल्कुल नीचे आ सकता है, क्योंकि ये पैटर्न से बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से आ सकता है। उसके रीजन भी मैं आपको बैक टेस्ट करके ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर नेक्स्ट टारगेट की बारे में बात करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टारगेट आपका मिल सकता है 1779 का जो लेवल है ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट के लिए हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, ठीक है। तो अगर 1 साल भी लग जाए मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 1 साल में आपको कितना परसेंटेज का गेन मिल सकता है, 54% का गेन मिल सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि कभी 1 साल से अगर ज़्यादा भी लग जाए, अगर 1.5 साल लग जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर 30% अगर हम गेन कर लेते हैं 1 साल में,
हमारा पोर्टफोलियो 2.5 साल में डबल हो जाता है, 100% गेन हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर 3 साल में भी 100% का गेन होता है, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। स्विंग ट्रेड करके इतना बन ही सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी सीख के करेंगे और पेशेंस के साथ में होल्ड करेंगे, अच्छा सा स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक को होल्ड करेंगे, तो आपको 30% गेन करने के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसीलिए आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जरूर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में बढ़िया से गेन ले सकते हैं। क्योंकि आपको सही टाइम पे एंट्री होना जरूरी है और सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। अगर सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे स्टॉक में, आप काफ़ी दिन तक फिर ट्रैप भी हो सकते हैं। गलत स्टॉक नहीं है, लेकिन आपका टाइम करेक्शन हो जाएगा, ये आपको भी बिल्कुल समझना पड़ेगा। देखिए ये स्टॉक में ऐसा बीच में बिल्कुल क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा एक पैटर्न में बिल्ट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे जरूर बैक टेस्ट करके जरूर बताऊंगा क्यों हो रहा है, आपको जरूर यहाँ पे देखा फ्रेंड्स। देखिए अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे कोविड के टाइम पे, जिस हिसाब से यहाँ पे एक पैटर्न भी बिल्ट हुआ था, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एक पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखते हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है एक पैटर्न। ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न, सेम टू सेम, नो चेंज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, उसके बाद में यहाँ पे रिवर्स हेड बना, उसके बाद में यहाँ पे राइट शोल्डर बना। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप अगर देखेंगे इसका टारगेट, देखिए इसका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टारगेट था, कितना मंथ लगा टारगेट अचीव होने में। देखिए यहाँ पे 877 का जो लेवल था, कितना दिन में अचीव हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे किसने, यहाँ पे बनने के बाद में अगर यहाँ पे, यहाँ पे भी किसने बाई किया है, तो यहाँ पे देखिए 64% का गेन मिला उसको। ठीक है, तो ये सब पता चलता है, अगर आप भी इस हिसाब से करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 199 डेज में 61% का गेन मिला। ठीक है, तो जो कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपको उस हिसाब से थोड़ा सा स्टडी करके अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेंगे तो बहुत बढ़िया गेन आपको मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तो यहाँ पे तो मिल गया ना बढ़िया सा प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे भी लिए, बॉटम बनने के बाद में ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद में आपने बाई की, यहाँ पे आपको 60% का गेन मिला 200 डे में। ठीक है, 60% का गेन, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 30% का गेन, ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसे कोई ये नहीं है। उसके बाद में अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं अगर कर भी लिया, उसके बाद में भी काफ़ी सारा फ्रेंड का ये भी पूछना था, उस टाइम पे मुझे पूछ रहे थे कि आपने तो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, उसके बाद में भी देखो, उसके बाद में तो हमें लॉस हो गया, वहाँ से और भी एक 37% का गेन में मिल सकता था। ये बिल्कुल है, लेकिन हमें इस बिल्कुल पता नहीं कि हम सेल करने के बाद में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। ये फोमो का चक्कर में अगर रहेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद में हमारा पैटर्न तो मैच हुआ ना, हमने प्रॉफिट बुकिंग करके वहाँ से प्रॉफिट से निकल गए, उसके बाद में फिर से यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक गिरा ना, नहीं वहाँ से तो फिर से करेक्शन हुआ ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन हुआ, उसके बाद में भी फिर भी मैंने यहाँ पे भी एक कुछ बाइंग किया था, वहाँ पे भी एक प्रॉफिट मिला। तो ये सब पैटर्न डेवलप होता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जहाँ पे आपको टारगेट आता है, टारगेट के पास में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, फोमो का चक्कर में नहीं रहना है। अगर यहाँ पे इस हिसाब से हमारा टारगेट आ रहा है, यहाँ पे 178282 पे ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, वहाँ से अगर स्टॉक अगर वहाँ से 100 रुपीज़ ऊपर जाए, 200 रुपीज़ ऊपर जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा यहाँ से प्रॉफिट हमें मिलना था, हमें मिल गया, उसके बाद में हम दूसरा स्टॉक भी सर्च करेंगे, वो स्टॉक में एंट्री लेंगे जहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यूएशन पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो आपको फोमो का चक्कर में नहीं रहना है, स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक का कमी नहीं है, तो इसीलिए हम सोच समझ कर कोई भी स्टॉक में एंट्री लेंगे और स्विंग ट्रेड में बढ़िया सा प्रॉफिट गेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में मेरे साथ में व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं अगर जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताने भूल गया अभी, आपको आप बोलेंगे कि कौन सा टारगेट था, कि किसके हिसाब से, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रभुदास के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे टारगेट उनका भी है, 1381 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। कुछ दिन पहले उनका एक यहाँ पे मनी कंट्रोल में आया था, तो यहाँ पे उनका टारगेट है 1381। ठीक है,
तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे 1381 का लेवल कहाँ पे, 1381 का लेवल यहाँ तक का है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक का जा सकता है मेरे हिसाब से, ये जो पहला टारगेट आपका अचीव हो जाएगा जो कि 1465 है, और जो सेकंड टारगेट है आपका, यहाँ पे है 1780 का लेवल है, ठीक है। ये दोनों लेवल आप जरूर नोट करके रख लीजिए, उस हिसाब से आप स्टॉक में अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पोजीशन बनाने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नया एक वीडियो में।